हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैंने यहाँ पे कोकोनट पेड़ा बनाई है और देखिए इसका टेक्सचर देखिए, वाओ। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाई। 1 टीस्पून ले लिया है घी। अभी हम उसमें 1 कप ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे हल्का फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे मत करना नहीं तो जल जाएगी, फिर मिठाई नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं मिल्क ले रही हूँ, 1/2 कप, ये रॉ मिल्क है, मैंने इसको पकाया नहीं है और अभी देखो पकी रही है। अभी हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। अभी यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर अच्छा टेस्ट चाहिए मिठाई पे तो आप डालो। और यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी देर चलाएंगे और थोड़ी देर चलाएंगे। जैसे वो थोड़ा थिक हो जाए फिर उसमें हम अभी चीनी ऐड करेंगे, यानी कि शक्कर, 1/3 कप। आप अपनी मिठाई के अनुसार डाल सकते हो, ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा डाल लिए, अगर कम खाते हो तो कम डालो। तो अभी मैं इसको ऐसे ही चला रही हूँ, वो भी मीडियम फ्लेम पे। हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये पैन ना छोड़े, थिक ना हो जाए, ऐसे मावा जैसा ना बन जाए। तो देखिए अब मेरा हो गया है, पैन छोड़ रहा है। तो मैं अभी गैस बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा कूल होने के लिए छोड़ूँगी ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ी ग्रेटेड कोकोनट ले रही हूँ। अभी उसमें शक्कर डाल रही हूँ, 2 टीस्पून। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर देंगे, ये काम आएगा हमें मिठाई सजाने में और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये हो गई है, अभी गैस ऑफ कर देंगे और अभी हम पेड़ा बनाएंगे। तो देखिए ये ठंडा हो चुके है, तो हम इसको अभी बनाते हैं पेड़ा। ऐसे ऐसे चपाती जैसे बनाते हो ना, चपाती का पेड़ा लड्डू जैसे घूमते हैं, वैसे ही घूमते ऐसा हम पेड़ा की तरह बना लेंगे। आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो लड्डू की तरह, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। रेसिपी सेम है, फिर आप अपना आर्ट दिखाना, अपना कला दिखाना, आपको जैसे पसंद है, जैसे चाहिए आप वैसा बनाना। मैंने तो इस टाइप की बनाई है। और देखिए मैं रोस्टेड वाली बनाई थी और कोकोनट वो मैं बीच में डाल रही हूँ। वे जब खाएंगे ना मुंह में आएगी, मस्त लगेगा, मज़ा आ जाएगा। किस किस को कोकोनट पसंद है वो कमेंट करो, किस किस को पसंद नहीं है वो भी कमेंट करो, मुझे बताओ किसको किसको पसंद है कोकोनट। तो देखिए कितना सही लग रहा है, ये बहुत टेस्टी था, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। तो आप इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट में बताओ आपकी कैसी बनी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कोकोनट मिठाई बनाने में। तो देखिए ये मैं दूसरा टाइप का भी दिखा दिया लड्डू के तरह बना के, कौन सी वाली आपको अच्छी लगी वो भी बताओ, मेरे को तो दोनों ही मस्त लग रहा है। अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, तो देखिए मिठाई कैसे बना है, कितनी मस्त है ना, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और आप ये मैंने एक बचा लिया था, फ्रिज में रख दिया था, देखो इसका टेक्सचर देखो।